हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्सक्रिटरी सिस्टम। उसको स्टार्ट करने से पहले आज के लिए न्यूज आपके लिए ये है कि हमारी बुक जो है मोस्ट वांटेड वो मार्केट में आ चुकी है, आप लोग उसे अब ले सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को मैं उस बुक के बारे में बताना चाहूंगी कि उस बुक में आपके बायोलॉजी से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके लिए बहुत अच्छे माइंड चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा थोड़ी स्टडी। उसका मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको यहाँ पे देती रहती हूँ। और हमारे को ऑथर जो कि है आर्यन राज, जो एम्स में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन करने में हेल्प की है। तो आप प्लीज उस बुक को फॉलो करके देखिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी नीट के एग्जाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रिटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रिटरी सिस्टम यानी कि किस तरीके से हमारी बॉडी का, हम ये बोलते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर कंटेंट एन हम ये बोलते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है उसका मेंटेनेंस कैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो वो ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सक्रिटरी सिस्टम कहते हैं, जिसका पार्ट क्या है, किडनीज विद यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लेडर, जिसको हम कंबाइंडली क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रिटरी सिस्टम। तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। उससे पहले एनिमल किंगडम में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में क्या क्या ओस्मो रेगुलेशन के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने फर्स्ट ही पैराग्राफ में आपको उसके बारे में डिटेल दिया है, यानी कि एनिमल किंगडम में अगर कहीं मेंशन नहीं भी है तो भी उससे रिलेटेड यहां चूंकि मेंशन है तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कई बार क्या करते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते स्किप कर देते हैं, तो इस चीज को, इस पोर्शन को स्किप नहीं करना है, लर्निंग बेसिस पे है। तो फटाफट से आपको चार्ट जो है उसके थ्रू बता देती हूँ कि क्या होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट, क्योंकि वो क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, कि वो अमोनिया से एक्सक्रीट कर रहे हैं या फिर यूरिया या फिर यूरिक एसिड। तो वो एनिमल्स जो अमोनिया को क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। वो जो यूरिया को करेंगे उसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। कंडीशन रिक्वायरमेंट, वाटर जो होता है अमोनोटेलिक के लिए बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में उसको रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि यूरियोटेलिक को हम बोल सकते हैं कि अमोनिया के कंपैरिजन में हम लोगों को, मतलब यूरियोटेलिक जो होते हैं उनको वाटर के जो है हम बोल सकते हैं कि नीड जो है वो कम रहती है, यूरिकोटेलिक की हम ये बोलते हैं सबसे कम जो है नीड रहेगी, ठीक है। अब अमोनिया जो है वो किस तरह से एक्सक्रीट करेंगे, तो अमोनिया आप जानते हैं कि एक्वेटिक जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो वाटर जो है वो उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, यहीं से आप याद रख सकते हैं। दूसरा उसके साथ में आपको पता है एक्वेटिक अगर कोई है तो उनके अंदर क्या हो सकती है एक्सक्रीशन के लिए, तो गिल्स जो है उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, फिशेज जो होती है वो क्या करती है एक्सक्रीट कर देती है अमोनिया को बाहर। उसके अलावा अगर हमारे अंदर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम यूरियोटेलिक हैं, तो क्या होता है कि जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर जो भी एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट है उसके थ्रू जो है हम ये बोलते हैं अमोनिया जो है अमोनिया का लीवर के अंदर यूरिया के अंदर उसका पहले कन्वर्जन होता है, चेंज होता है, एंड देन वो यूरिया जो है वो क्या होता है फिल्टर होके हम ये बोलते हैं किडनी के थ्रू फिल्टर होके एंड देन फिर उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है यूरियोटेलिक के अंदर। और हम बात करें अगर टॉक्सिसिटी की, तो हम बोलेंगे अमोनोटेलिक जो होते हैं उनके अंदर हाईएस्ट होती है, यूरियोटेलिक के अंदर हम ये बोलते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर अगर हम देखें तो कम होती है, और यूरिक जो है यूरिक एसिड थोड़ा टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। फिर एग्जाम्पल जरूर याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियर कट दिया है अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल कौन कौन से है, टेडपोल लार्वा जो है जो एक्चुअल में एम्फीबियंस के अंदर आया, तो टेडपोल लार्वा जो है वो अमोनोटेलिक है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, यूरियोटेलिक के अंदर हमारे मैमल्स आ जाती हैं, शार्क्स आ जाती हैं, बाकी बर्ड्स इंसेक्ट्स जितने भी हैं, स्नेल और मैनी रेप्टाइल्स, ये सभी क्या है यूरिक हम बोलते हैं कि एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन सा प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनपे से पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम बनाकर, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इनके पूछे जा सकते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। चलिए एक्सक्रिटरी और ऑर्गन के बारे में बात करें, तो कौन कौन सा एक्सक्रिटरी ऑर्गन है, एनिमल किंगडम का डिस्कशन चल रहा था, फटाफट से याद करने की कोशिश करिए कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है
मेनली पूछा जाता है प्लेटी हेलिमेंथीज के अंदर क्या होता है, प्लेटी हेलिमेंथीज के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होती है। उसके बाद में मैंने आपको बोला था एसके हेलिमेंथीज के टाइम पे पढ़ाते पढ़ाते कि एसके हेलिमेंथीज के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ लेते हैं क्योंकि वहां पे एच शेप रेनेट सेल्स होती है। ये पूछा जाता है एनालिट्स के अंदर तो वहां पे क्या होते हैं, नेफ्रिडिया होते हैं। और पूछा जाता है ऑर्थोपोड्स के अंदर जहां पर मेलपीगियन ट्यूबुल्स जो होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। तो ये चार जगह एनिमल किंगडम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी वही चीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बट एनसीईआरटी ने तो पूरा क्लियर कट एक चार्ट हमें दिया है कि हम ये बोलते हैं फ्लेम सेल्स के थ्रू, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप है ना, इसीलिए प्रोटोनेफ्रिडिया बोला है। फ्लेम सेल्स किस किस में, प्लेटियल मंथीज, रोटरी फर्स के अंदर, रोटरी फर्स जो है, और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, और कुछ एनिलिड्स के अंदर भी जो है वो फ्लेम सेल्स मिलती है। नेफ्रिडिया एनिलिड्स में है, ठीक है। मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स कॉकरोच के अंदर हम ये पढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स जो होती है क्रस्टेशियंस यानी कि एक्वेटिक ऑर्थोपोड जो है प्रॉन्स वगैरह उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और किडनीज जो है वो सभी वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें किडनीज मिलती है, ठीक है, पेयर में किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स जो है उनके अंदर हमें किडनीज जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप उस चीज पे मत जाइए कि उनके लार्वा में अगर जैसे टेडपोल में हमने पढ़ा कि गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो उसकी पर्टिकुलर एक स्टेज के बारे में बात करें। हम जब एडल्ट्स के बारे में काउंट करते हैं तब हम बोले कि ऑल वर्टिब्रेट्स जो है उनमें किडनीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बहुत सबसे सिंपल मेरे ख्याल से सिस्टम यही है जिसको ईजी होता है समझना। क्या होता है, आपको मालूम है कि हमारे में वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर किडनीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होती है, दिखने में पिंकिश कलर की है, पिंकिश ब्राउन कलर की होती है, बिल्कुल। इनके ऊपर अगर हमें देखने को मिलेगी एड्रिनल ग्लैंड, वो हम ये बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसको हम एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी किडनीज के बारे में बात करें तो किडनीज अगर हमेशा देखोगे तो जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, राइट साइड की थोड़ी सी नीचे होती है। दोनों ही किडनी के अंदर अगर हम देखें, अगर इनकी लेंथ के बारे में बात करें तो इनकी लेंथ जो होती है वो 10 से 12, ठीक है, ऐसे लेंथ हम लोग ले रहे हैं, तो 10 से 12 सेंटीमीटर की इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। अगर हम इनके विड्थ की बात करें तो ये विड्थ जो होती है ये होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, ये होती है 10 से 12, 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है। अगर हम बात करें इनकी मोटाई की, है ना, मोटी कितनी होती है, तो थिकनेस अगर हम देखें तो वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर उनकी थिकनेस होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें वेट की तो इनका वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम इनका वेट होता है, तो 120 to 170 ग्राम इनका वेट होता है। और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये हुई किडनीज, किडनीज देखिए, किडनीज जो होती है उनसे और क्या क्या चीजें हैं, अगर ये पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे, पेयर ऑफ किडनी है, इन किडनी से क्या निकल रही है, यूरेटर निकल रही है जो आगे जाके ओपन हो रही है किसमें, यूरिनरी ब्लेडर में, और ये यूरिनरी ब्लेडर जो है यूरिथ्रा के थ्रू बाहर ओपन हो जाता है, जहां पे ये बाहर हम ये बोलते हैं यूरिया को जो है बाहर सिक्रीट एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। इसी के साथ में देखो, अब यहां पे ब्लड वैसल, जो ब्लड है उसकी भी सप्लाई हो रही है। याद रखिए, ब्लड की सप्लाई होगी तो वहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, यहां पे रेनल, रेनल शब्द आए तो समझ जाइए रेनल शब्द किसके लिए है, किडनी के लिए, है ना, तो समझ जाइए। रेनल आर्टरी अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई जो भी ब्लड की सप्लाई जो जा रही है वो किसको जा रही है, किडनीज को जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, रेनल आर्टरीज जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट है, वो एंटर हो रही है कहाँ पे, ये जो बीन शेप के अंदर किडनी है, और इसका जो नॉच एरिया, ये एक नॉच जैसा बन रहा है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, इस नॉच एरिया के अंदर ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहती है, ठीक है। तो रेनल आर्टरीज जो है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे ब्लड लेके आती है, जबकि रेनल वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके जा रही है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, क्योंकि कंडीशन देखिए दोनों ही है यहाँ पे, आप कैसे करेंगे इस चीज को, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तभी जो किडनीज है वो खुद भी तो किसकी बनी है, सेल्स की बनी है, तो उनको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ताकि वहां पे वो ऑक्सीजन को यूज कर सके। और वहां पे अगर उनकी सेल्स जो है उनसे जो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उन ब्लड में आएगी तो वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अब उस ब्लड को जो लेके जा रही होंगी वो क्यों कौन होंगी, वो वेन्स ही होंगी, तो उन वेन्स को हम क्या बोलेंगे, रेनल वेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रही है, आपको देखने को मिलेगी रेनल वेन्स एंड रेनल आर्टरीज, जिस जो है अंदर एंटर करती है किडनीज में, कौन से एरिया में, नॉच एरिया से, और उस नॉच एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी किडनीज,
ठीक है। अब ये देखिए इंफीरियर वेना कावा यहां पे दी हुई है, इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि वेना कावा जो होती है वो एक्चुअल में क्या है, वेना कावा वो ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और राइट एट्रियम के अंदर, हार्ट के अंदर ओपन करती है, ठीक है। वेना कावा सुपीरियर है, अपर बॉडी पार्ट होता है, वहां से लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लोअर पोर्शन से। तो किडनी हमारे कहां है, एब्डोमिन के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है किडनीज, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। अगर वर्टिब्रीज के बारे में बात करें तो कौन सी वर्टिब्रीज, हमारी जो लास्ट वर्टिब्री होती है उसमें, और थर्ड ल्यूमर वर्टिब्री जो होती है उसके बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी लोकोमोशन के चैप्टर के अंदर आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा पिक्चर वर्टिब्रल जो हमारी कॉलम है उसके पूरा। बट अब याद रखिए कि जो हमारी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है और थर्ड ल्यूमर जो होती है वर्टिब्री, उनके बीच में किडनीज जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, और एब्डोमिनल कैविटी के लेटरल साइड में या दोनों साइड के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगी एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन होती किधर है, डॉर्सल साइड के अंदर होती है, वेंट्रल साइड में नहीं होती है। हम है ना इसे थोड़े से ऐसे चपटे नहीं है हम लोग, हमारी जो है हम ये बोलते हैं ना कि राउंड है थोड़े ना, हमारा इसे सर्कमफेरेंस जो है निकल सकता है, यानी हम डॉर्सल साइड की बात करें इस साइड में होती है, ठीक है, वेंट्रल साइड में नहीं है। तो डॉर्सल साइड के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अभी देखिए हम वन बाय वन इसी को पूरा क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं ना, ये हमारी जो किडनीज है बीन शेप जो किडनीज है, तो हम इन किडनीज जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इस किडनीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी देखो सबसे पहले बात करो पूरे के पूरे किडनी की, तो पूरा का पूरा किडनी जो होता है बाहर से एक हम बोलते हैं कि लेयर से कवर्ड रहता है, पूरा का पूरा बाहर जो है एक लेयर हम ये बोलते हैं उसके प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा कवरिंग मिल रही है, इसको हम बोल रहे हैं कैप्सूल, ठीक है। फिर अगर आप इसका टीएस सेक्शन जो कि अब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर अगर देखोगे तो ये जो नॉच एरिया है, इस नॉच एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम, जहां से यूरेटर निकल रही है और यहीं से रेनल आर्टरीज और रेनल वेन जो है वो क्या कर रही है, अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये आर्टरीज एंड वेन्स है जो अंदर जा रही है। फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो हाइलम एरिया है ये आगे जाकर क्या हो रहा है, इस तरह से देखो प्रोजेक्शन इसके आगे अंदर की तरफ फैले हुए हैं, ये प्रोजेक्शन जो निकल रहे हैं, इन प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इनको हम बोल रहे हैं कैलेक्स, सिंगुलर वर्ड है, तो कैलेक्स जो होता है इन प्रोजेक्शन को बोले। तो हाइलम आगे जाकर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, ये देखो मैंने अपनी फिंगर्स बना देती हूं अगर तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन प्रोजेक्शन को कैलेक्स बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम देखो तो यहां पे ये जो इसका पूरा एरिया है, बाकी की पूरी मेन बॉडी जो होती है किडनी की, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिनल कैप्सूल बोल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसकी बॉडी जो होती है दो पार्ट में डिवाइडेड है, किस किस में है, एक तो आपकी होती है कॉर्टेक्स पोर्शन में और दूसरा होता है मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर। अब ये देखो मेडुलर रीजन बोल सकते हो आप इस रीजन को, ये मेडुलर पार्ट है, ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट है, ये है कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। अब जो ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है इस पोर्शन के अंदर, अभी हम लोगों ने आगे नेक्स्ट पढ़ना है, इनकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिससे किडनी का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के अंदर भी दो हिस्से हम पढ़ेंगे, एक ग्लोमेरुलस हिस्सा पढ़ेंगे, एक हम उसके वोमन कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कंबाइंडली मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं, और उसके साथ में होती है पीसीटी एंड डीसीटी और हेलेन लूप, ठीक है। तो पीसीटी डीसीटी प्लस उसका हम बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी जो होती है वो हिस्सा प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, जबकि उनका ट्यूबुलर हिस्सा जो होता है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, मेडुला के अंदर। अब ये मेडुला जो है ये कैलिक्स के अंदर देखो ये धंसे हुए हैं, यहीं से कलेक्टिंग डक्ट होती है, वो सारी की सारी नेफ्रॉन की एक साथ मिलती है एंड देन वो यूरेटर के थ्रू जो है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको यूरिनरी ब्लेडर के अंदर लेके जाती है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसकी बात ध्यान रखो, तो ये हमारा अगर मेन बॉडी की बात करें किडनी की, दो पार्ट में डिवाइडेड है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मेडुला पिरामिड के फॉर्म में, इसलिए हमने उसको बोला है मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। इनको चूंकि ये जो पिरामिड्स होते हैं इन पिरामिड्स को हम कॉलम ऑफ ब्रिटनी भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए आपको याद भी रखना है, इनको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ ब्रिटनी, ठीक है। तो एक्चुअल में इस पोर्शन में होता क्या है, इस पोर्शन के अंदर हेनले लूप होती है, हेनले लूप एंड देन कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो इस पोर्शन के अंदर होती है। अब कॉर्टेक्स जो होता है ये भी देखो आगे एक्सटेंड हो रखा है, जिनको हम रेनल कॉलम बोल रहे हैं, ये देखो इन्हीं की वजह से ये देखो मेडुला के जो पिरामिड है वो फॉर्म हो पा रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, रेनल कॉलम होते हैं, ये रेनल कॉलम है सारे के सारे, जो कॉर्टेक्स पोर्शन ही क्या हो रखा है, आगे एक्सटेंड हो रखा है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया किडनी का क्या हुआ, किडनी बाहर से कवर्ड है जिसको रेनल कैप्सूल बोला है, इसके इस नॉच को हमने हाइलम बोला, हाइलम से प्रोजेक्शन निकले उनको कैलेक्स बोला, देन इनकी मेन बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मेडुला पिरामिड के फॉर्म में है, पिरामिड्स जो होते हैं कैलेक्स में धसे रहते हैं,
कॉर्टेक्स जो है उसके भी एक्सटेंशंस है जिनको हम रेनल कॉलम बोल रहे हैं, जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में प्रेजेंट है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा किससे है, नेफ्रॉन से फॉर्म हो रहा है। नेफ्रॉन इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी मिलियंस के अंदर नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी जो है उसको बना रहे हैं। ये पूरी की पूरी किडनी जो फॉर्म हो रही है वो किससे हो रही है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से। चलिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। अभी देखो यहां से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यहां, क्योंकि ये मेन पोर्शन है ना, यहीं से फिल्टरेशन होता है, ठीक है। ब्लड का फिल्टरेशन यहाँ पे होता है, ब्लड ही है हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, हर तरह का चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी कलेक्ट करके कौन लेके आएगा, ब्लड ही लेके आएगा। ब्लड जिस ब्लड लेके आता है जिस वेसल के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। तो यहां पर आर्टरीज का एक गुच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब वो आर्टरीज जो क्या कर रही है, अंदर ब्लड को लेके आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरीज। और जो ब्लड को लेके जाएगी सप्लाई को यहां से, उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरीज। तो ये जो गुच्छे में है, एक्चुअल में ये एफरेंट आर्टरीज आगे जाकर क्या हो गई, फाइन ब्रांचिंग में बदल गई है। मान लीजिए ये एफरेंट है और ये एफरेंट है, इसने क्या किया, आगे फाइन ब्रांचिंग बनाई जिनको कैपिलरीज बोल रहे हैं। ये भी क्या है, कैपिलरीज है। ये इस तरीके से गुच्छा बना के प्रेजेंट है यहां पे, इस तरह से गुच्छे में। तो ये जो गुच्छा है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ब्लड के गुच्छे को ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। एफरेंट ला रही है ब्लड, एफरेंट ले जा रही है, और फिल्टरेशन यहीं पे होता है। उसके बाद में हम ये बोल रहे हैं, ये एक कप शेप में जो है स्ट्रक्चर देखो नेफ्रॉन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये एक्चुअल में वो लेयर है, जैसे कि एल्वियोली थी ना, जहां पे क्या हो रहा था, वो रेस्पिरेटरी सरफेस थी जहां पे डिफ्यूजन हो रहा था ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वैसे ये फिल्टरेशन के लिए सरफेस है जहां पर क्या होता है, ब्लड का फिल्टरेशन होता है। यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होके किसमें आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। तो बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो पोर्शन है, जो ट्यूबुलर पार्ट है, इस ट्यूबुलर पार्ट को हम रेनल ट्यूबुल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूबुलर हिस्सा है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है जहां पर क्या हो रहा है, केवल फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको हम मेलपिगियन बॉडी बोल देते हैं। जो ये रेनल ट्यूबुल्स होती है, अब इसमें कौन कौन सी ट्यूबुल है, देखो एक तो हाईली कॉइल्ड होती है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है ना, पीसीटी। तो ये पीसीटी है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने जब पढ़े थे, हमने ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बारे में, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो पीसीटी में प्रेजेंट होती है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो पूछा भी जा सकता है। तो पीसीटी, उसके अलावा एक होती है डीसीटी। डीसीटी ये है डिस्टल, ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये जो आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूबुल जो है उसमें ओपन हो रही है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है एक्चुअल में वो कई सारे नेफ्रॉन से वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको कलेक्ट करके लेके आती है, इसलिए उसको हमने बोला कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे कई सारी ओपनिंग है, इसका मतलब कई नेफ्रॉन यहाँ ओपन हो रहे हैं एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इसके अलावा पीसीटी एंड आपके डीसीटी, इसके बीच में एक यू शेप हेयर पिन जैसी है ना, एक ट्यूबुल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप जो होती है उसकी दो हम बोलते हैं लिम्स है, एक वो जो नीचे की तरफ जा रही है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम, और एक ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम क्या बोले, असेंडिंग लिम, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर समझ में आया, तो ये ट्यूबुलर पोर्शन हो गया, रेनल ट्यूबुल हिस्सा हो गया इसका, पीसीटी, देन हेनले लूप, एंड देन आपकी डीसीटी, एंड डीसीटी ओपन हो गई किसमें, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब देखो कई सारी हम ये बोलते हैं कि ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, अभी इस चीज में भी याद रखिए, नेफ्रॉन्स दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, जो कॉर्टिकल, जो कॉर्टेक्स जो रीजन होता है, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, या फिर जिनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अगर मैं बनाती हूँ किडनी स्ट्रक्चर, तो मैंने ये बना दिए पिरामिड्स, ठीक है, ये पिरामिड्स हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ जो नेफ्रॉन्स मेडुला के अंदर तक धसे होते हैं उनकी हेनले लूप बड़ी होती है, इस तरह से उनकी हेनले लूप हम ये बोल सकते हैं कि बड़ी होती है। ऐसे नेफ्रॉन्स को जो जिनके हेनले लूप बड़ी होती है, जो मेडुला के अंदर धसे हुए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो होते हैं धसे रहते हैं, और हम बोलते हैं उनकी हेनले लूप बड़ी छोटी सी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं जिनके हेनले लूप छोटी होती है, दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जो कि जिनकी हेनले लूप बहुत बड़ी होती है। तो दो तरह के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। हेनले लूप का साइज दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि इनमें कई ब्लड कैपिलरीज जो है, क्योंकि ब्लड ही है जो फिल्टर कर रहा है, एंड देन रीअब्सॉर्प्शन का भी होता है कि सब कुछ यहाँ पे फिल्टर हो गया, उसके बाद में ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो गया और चलो ट्यूबुल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर रीअब्सॉर्प्शन भी होता है, तो आगे जाने के बाद में ये ट्यूबुल्स क्या करती है, वापस से कुछ चीजें, वाटर को, कुछ आयंस को वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ
कुछ हम ये बोलते हैं ग्लूकोज वगैरह भी है, तो जो भी एक्स्ट्रा बोलते फिल्टर हो गया उसको वापस एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी यहाँ पे क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज जो है वो फैली रहती है, पूरे के पूरे हम ये बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज जो है वो फैले रहती है, ठीक है। तो ये जो है ब्लड कैपिलरीज, जो ये जो आपकी हेले लूप है, इस हेले लूप के चारों तरफ जो फैली होती है उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो फाइन कैपिलरीज ही है जो इन ट्यूबल्स के चारों तरफ फैली है, बट वासा रेक्टा हम किसको बोल रहे हैं, वो जो हेले लूप के चारों तरफ चल रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है वासा रेक्टा, ठीक है। तो वासा रेक्टा समझ में आ गई क्या है, ये ब्लड वेसल ही है जो कि हेले लूप के चारों तरफ चलती है। इसके साथ में याद रखिए कि वासा रेक्टा जो होती है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर हम ये बोलते हैं या तो रिड्यूस्ड होती है या फिर अब्सेंट ही होती है, क्योंकि वैसे भी उसमें हेले लूप बहुत छोटा होता है, तो वासा रेक्टा भी क्या होती है, रिड्यूस्ड होगी या फिर अब्सेंट ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बोल दिया ये कैपिलरी जो है, हम जितनी भी कैपिलरीज हैं ये सब क्या करती है, रीअब्सॉर्प्शन का काम करती है। तो ये जितनी भी ब्लड है, जितना भी ब्लड फिल्टर हो, ब्लड से जो भी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हुआ है तो उसमें से वापस रीअब्सॉर्प्शन का काम जो है ये कैपिलरीज जो है कर लेंगे, ठीक है। तो इन कैपिलरीज जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्यूबुलर कैपिलरीज हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ब्लड कैपिलरीज के बारे में। एंड देन फिर आ जाता है मैल्पिगियन बॉडी, ये तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया है कि ये बोमन्स कैप्सूल है, ये एफरेंट बोलते हैं आर्टरीज हैं, देन ये इफरेंट आर्टरीज हैं, ये उनकी वही फाइन ब्रांचिंग है जो आगे हो गई है और गुच्छा जो इन्होंने बना लिया। एंड देन ये ओपन हो जाता है बोमन्स कैप्सूल किसके अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स के अंदर, यानी पीसीटी के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ए बी सी डी बताइए किसके लिए मार्किंग है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, या फिर हो सकता है फिल्टरेशन के लिए कुछ पूछ लिया जाए, तब कि फिल्टरेशन कहाँ कौन से पार्ट में नेफ्रॉन के हो रहा है, तो कहाँ फिल्टरेशन होता है उसके लिए पूछा जाए, तो उसको भी याद रखने के लिए अगर डायग्राम आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हो गया ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अब यूरिन कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन सिंपल स्टेप है, ठीक है, किस किस को बोल रहे हैं। पहला तो होगा इसका स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि जो ब्लड है, जो वेस्ट मटेरियल को लेके आया है, वो ग्लोमेरुलस जिस ब्लड के हम गुच्छे को कह रहे हैं जो मूवमेंट्स कैप्सूल में प्रेजेंट है, यानी मेल्पीगियन बॉडी पर सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें से ब्लड में से जो उसके कोलोइडल पार्ट है वो तो रह जाएंगे ब्लड के अंदर ही, बट वाटर एंड वाटर के साथ में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वेस्ट में जैसे हम बोलते हैं क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ये सभी जो है ये उसमें क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो कोलोइडल पार्ट को छोड़कर बाकी चीजें जो है वो फिल्टर हो जाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकंड होगा रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि जितना फिल्टर होता है वो सभी का सभी वेस्ट के फॉर्म में हम बाहर एक्सक्रीट उसको नहीं कर देते हैं, बल्कि उसमें से कुछ वाटर या फिर कुछ हम ये बोलते हैं इंपॉर्टेंट ग्लूकोज वगैरह जो है उसको हम वापस रीअब्सॉर्ब भी कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हम ये बोलते हैं बेनिफिशियल चीजें जो एक्चुअल में क्या होती है, फिल्टर हो जाती है, तो उसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। एंड समटाइम कुछ चीजें जो है उनका क्या होता है, सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। तो ये तीन सिंपल स्टेप है जिस पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं। तो सबसे पहला चीज तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, आप ही जानते हैं फिल्ट्रेशन कहां होगा। तो देखिए ये ग्लोमेरुलस मैं बना देती हूँ, ये वोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, यहां पर वही एफरेंट आ रही है और इफरेंट यहां से निकल रही है, ठीक है। यहां पे मैं फाइन कैपिलरीज बना देती हूँ और हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे क्या होगा, तो जो ब्लड है उस ब्लड में से हम ये बोलते हैं कि कुछ वाटर का या फिर हम ये बोलते हैं कि ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, यानी कि कोलोइडल सब्सटेंस जैसे कि हम ये बोलते हैं प्लाज्मा जो हिस्सा है वो तो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, प्लाज्मा वाला हिस्सा पूरा फिल्टर हो रहा है, बट प्लाज्मा की जो प्रोटीन्स होती हैं वो कोलोइडल पार्ट है तो वो फिल्टर नहीं हो पाता। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह जो है ये भी कोलोइडल पार्ट है, ये भी फिल्टर नहीं हो पाता। तो हम ये बोलते हैं कि प्लाज्मा जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे फिल्टर हो जाती है, तो या इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, प्लाज्मा पार्ट का फिल्टर होना, बट प्रोटीन को आप छोड़ दीजिए और आरबी सेल्स को भी आप छोड़ दीजिए। अब ये फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, तो देखिए ब्लड वेसल्स जो होती है उनकी जो हम ये बोलते हैं कि लाइनिंग जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। एक तो एंडोथीलियम इसका हिस्सा है, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आती है नॉन सेलुलर हिस्सा, और तीसरा जो होती है हम बोलते हैं कि जो एपिथीलियल होती है, कौन किसकी एपिथीलियल लेयर,
जो आपका वोमेंस कैप्सूल है उसकी जो एपिथीलियल है वो लेयर जो होती है, इन तीन लेयर को क्रॉस करके क्या होता है, फिल्टरेशन होता है ब्लड का। सॉरी मैंने ज्यादा बाहर से दिखा दिया है, ब्लड वेसल जो यही कंप्लीट हो रही है, तो ये ब्लड वेसल है, तो यहां से हम ये बोल रहे हैं ब्लड में से प्लाज्मा जो है फिल्टर होके आपका ये जो वोमेंस कैप्सूल है और इसकी कैविटी जो है इसके अंदर ये आ रहा है, फिल्टरेशन आ रहा है। ठीक है, तो तीन चीजें आप ध्यान रखनी है आपको, क्या तीन लेयर याद रखनी है, कौन सी तीन लेयर को फिल्टर करके अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है, तो इन तीन लेयर को, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथीलियल ऑफ वोमेंस कैप्सूल, उनको फिल्टर करता है। बट ये फिल्टरेशन के लिए क्या होता है, कहीं कहीं पर एपिथीलियल के अंदर क्या रह जाते हैं, छोटे छोटे गैप रह जाते हैं, उन गैप को हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, जिन पोडोसाइट्स के थ्रू ये क्या होता है, फिल्टरेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट याद रखिए पोडोसाइट्स के बारे में, तो ये वो स्पेस है जो एपिथीलियल लेयर के अंदर वोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, माइन्यूट स्पेस, जिसको हम स्लिट्स पोर भी बोल सकते हैं या फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी बोल सकते हैं, जहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिर मैंने ये चीज आपको बताई दी है कि प्रोटीन जो है वो भी कोलोइडल पार्ट है, वो भी यहां पर फिल्टर नहीं होगी, तो फिल्टर क्या होगा, फिल्टर प्लाज्मा होगा बट विदाउट प्रोटीन होगा, आरबीसी भी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स जो है वो भी इनमें फिल्टर नहीं होगी। तो ये जो फिल्टर हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर। ठीक है, ग्लोमेरुलस से क्योंकि ये फिल्टर हो रहा है तो उस फिल्टर जो फिल्टर हुआ है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बोलिए या फिर नेफ्रिक फिल्टरेट बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि नेफ्रोन के अंदर फिल्टरेशन प्रोसेस ये हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब फिल्टर क्या क्या चीजें हो रही है, यूरिया होगा बिल्कुल मेन, हम क्या है, यूरियोटेलिक है, तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे ही, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, फैटी एसिड, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स एंड सॉल्ट्स, ये सारी चीजें जो है, सोडियम वगैरह, ये सब भी क्या होता है वहां पर फिल्टर हो जाता है। बट ये सब का सब हम बाहर इसको एक्सक्रीट नहीं कर देंगे, इनमें वापस से एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। सेकंड स्टेप क्या आता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन ही आता है कि जो चीजें हमारी यूजफुल है उनको वापस से हम क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो ये हुआ फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन। अब देखिए ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट क्या होती है, पर मिनट ग्लोमेरुलस से कितना अमाउंट जो है प्लाज्मा का फिल्टर होके आ रहा है ना, जिसको हम ये बोलते हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो कितना वो आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट बोलते हैं, GFR उसको बोला जाता है। और हमें ये मालूम है कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है उसको अप्रोक्सीमेटली पर मिनट कितना करता है, 125 ml, और पूरे दिन का अगर देखें तो 180 L पर डे फिल्ट्रेशन होता है। बट ये इतना का इतना ही हम बाहर उसको यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं करते, ओनली 1 L ही होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, बट फिल्टर कितना होता है, 180 L पर मिनट कितना हो रहा है, 125 ml पर मिनट हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है, समटाइम पूछ लिया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये क्या है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये एक्चुअल में जो रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये आपका मैं बना देती हूँ कि ये आपका वोमेंस कैप्सूल है, देन ये आपकी PCT एंड हेनले लूप है। ठीक है, देन ये उसका हेनले लूप का ही हम ये बोलते थोड़ा सा हम बोलते थिक पार्ट है, एंड देन ये DCT आपकी आ गई। तो DCT के अंदर ही हम ये बोलते हैं उसकी जो लेयर होती है उसी ट्यूबुलर पोर्शन की, उसकी जो एपिथीलियल लेयर है उसी के अंदर क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे कुछ एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस कहते हैं। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस करता क्या है, ये एक्चुअल के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को जो है वो हम ये बोलते हैं कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये करता कैसे है कि ये एक्चुअल में जब भी फिल्ट्रेशन के रेट डाउन होगी उस टाइम पे ये जो GG सेल्स होती है, क्योंकि बहुत इफेक्ट पड़ता है फिल्ट्रेशन का, ब्लड प्रेशर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि ब्लड प्रेशर कितना है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो जो GG सेल्स होती हैं जो रेनिन सिक्रीट करती हैं, तो वो एक्चुअल में रेनिन वहां से सिक्रीट होता है, और वो रेनिन क्या करता है कि रिलीज होने के बाद में स्टिमुलेट कर देता है ग्लोमेरुलस को, कि ताकि ब्लड जो ब्लड का फ्लो है ना वो बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़ने से क्या होगा वहां पे फिल्टर होगा। आप समझ लीजिए कि अगर कोई एक मैं कपड़ा लूँ और उस कपड़े के अंदर मैंने मान लीजिए कि मैंने दही लिया है, ठीक है, जिस दही के अंदर आपको मालूम है कि थोड़ा सा कोलोइडल पार्ट भी होता है और पानी जैसा भी है, अब मैं उस पर प्रेशर लगाऊंगी तो क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही उसमें से पानी जो है बाहर निकल जाएगा, और हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो कोलोइडल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उस कपड़े के अंदर ही रह जाएगा। अब मान लीजिए पनीर बनाते हैं तब भी ऐसा करते हैं ना कि कपड़े में छानते हैं, तो जितना प्रेशर होगा तो वो जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है रेनिन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस जो
ब्लड पे जो फ्लो है उस फ्लो को बढ़ा देते हैं, और वो फ्लो जब बढ़ता है तो अपने आप फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको कंट्रोल करते हैं कौन, आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। कैसे करता है, जेजी सेल से रेनिन सिक्रेट करवाकर। चलिए नाउ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब ये जितना भी हमने कहा है कि जो फिल्टर हुआ है वो सारा का सारा एक्सक्रीट नहीं होता, वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो 75% वाटर जो है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसी के अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम क्लोराइड, ये सभी भी क्या हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम, ये सभी क्या है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो रीअब्सॉर्प्शन होता है किसमें, ट्यूबुल्स में। अब सब जगह तो नहीं होता है, पीसीटी में होता है, क्योंकि पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल लेयर होती है, जो सरफेस एरिया जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, वहां पे ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह जो है इनका वापस से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब ये एब्जॉर्प्शन एक्टिव एंड पैसिव हो सकता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव यूं हुआ कि जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह ये तो एक्टिवली क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। समटाइम वाटर जो है वो पैसिवली ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो रीअब्सॉर्प्शन वापस होता है पीसीटी में होता है। हैनले लूप है, तो हैनले लूप में हम ये बोलते हैं कि जो उसकी डिसेंडिंग लूप होती है उसमें तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, बट जो उसकी असेंडिंग लूप होती है उसके अंदर वापस से रीअब्सॉर्प्शन होता है। एंड देन डिसेंडिंग के अंदर कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के अंदर भी क्या होता है, हम ये बोलते हैं डीसीटी के अंदर भी फिर क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है, और जो कलेक्टिंग ट्यूबुल है उसके अंदर सिक्रीशन भी होता है। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से रीअब्सॉर्प्शन वापस रेनल ट्यूबल्स जो होती है उनमें रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। कहां किस चीज का अब्सॉर्प्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि यूरिन कितना कंसंट्रेट होगा, है ना। क्योंकि अगर वाटर ज्यादा अगर अब्सॉर्ब कर लिया जाए और जो वेस्ट है उसके अंदर हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेट यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होगा, बाहर रिलीज किया जाएगा। अगर वाटर का कंटेंट भी उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर होगा, इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे तो वो कंसंट्रेट नहीं होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा, राइट। तो यूरिन की कंसंट्रेशन की वो यूरिन डाइल्यूट होगा या फिर कंसंट्रेट होगा, दैट इज ऑल्सो डिसाइड बाय दिस कि रीअब्सॉर्प्शन कितना और कैसे हो रहा है, अगर कहां हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो ये एक्टिव पैसिव दोनों ही तरीके से हो सकता है। तो कौन कौन सी चीजें कहां कहां एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग आगे देखें। इसमें चार्ट में आपके एनसीईआरटी के अंदर ही दिया है। देखो, जैसे ही पीसीटी के अंदर आया आपका फिल्ट्रेट, तो उसमें से देखो क्या क्या चीजें वापस एब्जॉर्ब हो गई। जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये वापस एब्जॉर्ब हो गए। इसके साथ में वाटर जो है वो तो पूरा का पूरा जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर जो होता है वो यहाँ पे फिल्टर होता है, तो वाटर भी वापस 75% वाटर वापस क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वाटर भी वापस क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इसी के साथ में देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, मैंने बोला ना कि रीअब्सॉर्प्शन सोडियम क्लोराइड का भी होता है, बाइकार्बोनेट आयन्स जो है उनका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम आयन्स जो है उनका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बट यहां पर कुछ चीजें हैं जो ब्लड के अंदर क्या हो करती, ब्लड से वापस यहां पर क्या कर दी जाती है, हम ये बोल देते हैं कि सिक्रेट कर दी जाती है। तो देखिए ये, क्योंकि यही तो है, हमने बोला था ना कि कुछ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है जो ट्यूबुल्स के चारों तरफ साथ साथ फैली रहती है। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से क्या होता है कि ये जो जहां पर एक साइड में तो क्या करती है, वो इन सब चीजों को रीअब्सॉर्ब करती है, वही अमोनिया है क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोटॉन्स है, उन सबको क्या कर देती है, इसके अंदर वापस से ब्लड के अंदर सिक्रेट कर देती है। ठीक है, तो सिक्रेशन भी साथ साथ में हो रहा है। तो पीसीटी में ये हुआ, हेल्ले की डिसेंडिंग लूप में अगर जब आए तो आते ही आप क्या देखोगे, वॉटर का तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, बट इसके अलावा यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन जब वाटर का ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट होगा, है ना, वाटर ज्यादा हो गया। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं इसके ये असेंडिंग लूप में जाते हैं, तो असेंडिंग लूप के अंदर जाने से क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट वाटर जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे इम्परमिएबल रहता है वाटर के लिए। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, वापस से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यूरिन जो कंसंट्रेट था वो डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होगा। अभी देखो जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर आया तो वहां पे क्या-क्या चीजें हो रही है, वही देखिए यहां पे बाइकार्बोनेट आयन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, इनका एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी पोटेशियम एंड ये जो हमारे हाइड्रोजन है आयंस, इन सब का क्या होता है, इसके अंदर सिक्रीशन होता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फिर वाटर जो है उसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुल्स में कौन सी ट्यूबुल्स पे क्या काम हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा चार्ट के थ्रू हम लोगों ने सिंपली सारी चीजों को मेंशन कर दिया है, तो उसको अगर चार्ट के थ्रू पढ़ लेंगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा। अभी देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, किसकी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल की। जहां पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल आ जाती है समझ जाइए रीअब्सॉर्प्शन होगा ही होगा। ठीक है,
अगर ब्रश बॉर्डर अगर हम बात करते हैं तो कॉलुमनर की किसके अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पे भी अब्सॉर्प्शन हो रहा था बट फूड का हो रहा था, वहां पे डाइजेस्टेड फूड का। तो याद रखिए यहाँ पे री अब्सॉर्प्शन होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये ब्रश बॉर्डर ये क्यूबॉइडल है और ये इनमें विलाय है, तो ये क्या करती है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, तो ज्यादा यहाँ पे क्या होगा री अब्सॉर्प्शन होगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी असेंशियल नियरली सभी न्यूट्रिएंट्स जो होता है उनका यहाँ री अब्सॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स का, वाटर का भी क्या हो रहा है यहाँ पे री अब्सॉर्प्शन हो रहा है। अब ये करती क्या है, मेंटेन करती है पीएच को, आयनिक बैलेंस करती है। क्यों कर रही है भाई आयनिक बैलेंस, क्योंकि ये देखिए जो प्रोटॉन्स है उन प्रोटॉन का ये इसमें क्या कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, तो ये क्या करेंगे पीएच इसको मेंटेन किया ना, पीएच किसकी मेंटेन कर रही है, ब्लड की पीएच को मेंटेन कर रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा में प्रोटॉन जो है उसको क्या कर रही है ये एक्सक्रीट सिक्रीट कर दे रही है, आपका जो फिल्ट्रेट है जो बाहर एक्सक्रीट होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर ये प्रोटॉन्स को रिलीज कर देती है, तो पीएच ब्लड की मेंटेन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अमोनिया जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है राइट, टॉक्सिक है, तो इसको भी क्या कर दिया जाता है उसके अंदर हम कहते हैं सिक्रीट कर दिया जाता है। पोटेशियम आयन जो है उनको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिक्रीट कर देते हैं। बट ये कैसे होता है काम, ये जब ये आपके बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं उसको लेता है तो उसके बदले में पोटेशियम जो होता है उसको वो उसमें रिलीज कर देते हैं। हेरले लूप में मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब देखिए मेंटेन द हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड, कैसे मेंटेन किया इन्होंने मेडुलरी इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हेनले लूप जो होती है वो मेडुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब वहां पर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे क्या कर लेती है, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लेती है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये किसमें आता है मेडुलरी, क्योंकि ब्लड वेसल्स एंड देन इनको क्रॉस कर तो करना ही पड़ेगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको ये बढ़ा देती है, वो ज्यादा वहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या है, परमिएबल होती है वाटर के लिए, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट होता है, मैंने बताया डिसेंडिंग में वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, जबकि असेंडिंग के अंदर क्या होता है सोडियम क्लोराइड जो है उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इस वजह से डाइल्यूट होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो डाइल्यूट किसकी वजह से होता है फिल्ट्रेट, असेंडिंग लिंब की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है उनका एक्टिवली वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज मेंशन की है आपको पहले भी, तो इन चीजों को पॉइंट टू पॉइंट ऐसे याद कर लीजिए। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंडीशनल सिचुएशन है, कैसे देखो कंडीशनली रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का एंड वाटर का। अभी ये क्यों होता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का, कि देखिए ब्लड जो होता है ब्लड का प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि कंट्रोल करता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितनी है और उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो कंडीशनल अगर कंडीशन है सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर, और हम ये बोल रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ब्लड में वाटर होगा तो उसको भी क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा, तो फिल्टरेशन रेट जो होगी वो इंक्रीज होगी। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट ये सेलेक्टिवली क्या करता है, सिक्रीशन करवाता है प्रोटोन का, पोटेशियम का एंड अमोनिया का, तो वो वेस्ट मटेरियल है तो उसको हम क्या करते हैं उसके अंदर सिक्रीट करते हैं, बट उसके बदले में बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन होता है। ये मेंटेन करते हैं पीएच को, सोडियम पोटेशियम बैलेंस बनाते हैं ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर मेंटेनेंस का फंक्शन इसी की वजह से हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम ज्यादा करना जो है वो काम इन्हीं के थ्रू हो रहा है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन का काम करती है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये हो गया ट्यूबल का काम। अभी देखिए एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को क्लियर नहीं होती है पिक्चर जिसके आपके माइंड में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो होता है और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो देखिए अगर ग्लोमेरुलस जो ब्लड फ्लो है वो घटेगा, है ना, उसके अंदर अगर वो कम होगा तो वो कम होने से क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कम होगी। जब वो कम होगी तो क्या होगा कि जो जेजी सेल्स है, अभी देखिए जब ये कलेक्टिंग ये हम जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर जब जाएंगी, है ना, डीसीटी के अंदर जब जाएगा वो फिल्ट्रेट, तो वहां पे जाने के बाद में क्या होगा, वहां पर जाने के बाद में जो वहां पे प्रेजेंट आपकी हम बोलते हैं ना जक्स्ट्रा जो एपरेटस है वहां पे, जक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस जो है वो क्या हो जाएगा वहां पे, हम ये बोलते हैं कि वो वहां पे उसको साइन मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, जब सिग्नल मिलेगा तो वो जेजी सेल से रेनिन को सिक्रीट करवाएगा। अब ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन जो रिलीज होता है
है ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है एंड देन वो सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एक्चुअल में वैसो कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है। वैसो कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या हो गया, जो एफरेंट आर्टरीज है वो क्या हो जाएंगी, वो उनका हम ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रेक्शन होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन तो अपने आप होगा। ये एक तरह से देख लीजिए वैसा ही मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, पनीर निकालते टाइम आप प्रेशर लगाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी, तो वो फिल्ट्रेशन रेट इस तरह से बढ़ती है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हुई, कैसे हुई कंडीशन, ये तो वैसो कॉन्ट्रेक्शन के लिए उसके थ्रू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ाया है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट बढ़ी है, तो एक कंडीशन तो ऐसे हुई। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को और वहां से ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको रिलीज करवाता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ये सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, और वाटर जो होता है उसका भी करवाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मैंने आपको बोला ना कि सोडियम क्लोराइड का जब क्या होगा, कंडीशनली एब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम की मात्रा बढ़ने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और वाटर कंटेंट अगर ब्लड के अंदर ज्यादा है, जो हमें ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक्सेस में वाटर नहीं होना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए, क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से सोडियम की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे भी जीएफआर जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म जो होती है वो काम करती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतनी ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, यूरिन कैसे फॉर्म होता है और कौन सी ट्यूबुल में किस तरह से फंक्शन होता है और कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब लर्निंग बेसिस पे है, उन सब चीज़ों को एक बार आप एनसीईआरटी में जो दिया है उसको चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए बड़ा इजी हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इतनी ही चीज़ें जिनमें थोड़ा बहुत डाउट हमें रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही और आप फटाफट से देखते हैं हमारे फॉलोअप क्वेश्चंस। ये है फॉलोअप क्वेश्चंस, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर बताइए। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेसिस पे है और जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसी में से है, तो इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत बड़ा पार्ट आपका आज हो जाएगा अगर आपने ये सॉल्व कर लिए तो, है ना। ये देखिए मैंने आपको बोला मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं और ये याद करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया और मेरे ख्याल से अब आपको याद हो भी गया होगा, तो फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। और आपको पर डे थोड़ा बहुत समराइज फॉर्म में हम एनसीईआरटी इसीलिए आपको परोसते हैं ताकि आप चार्जअप भी रहे और आपको पता रहे कि चैप्टर में आखिर क्या है, फिर एंड देन आप एनसीईआरटी का एक रीडिंग लगाइए एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए हमारे बुक में से भी और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है, आपको बताती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक बाय बाय।